अस्सलाम वालेकुम। वनीला आइसक्रीम किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से वनीला आइसक्रीम ऑलमोस्ट हर चीज़ के साथ जाती है, क्योंकि वनीला की स्मेल, टेस्ट, फ्लेवर सब इतने लजीज हैं कि वो हर चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुगन काजिम और मैं आपसे बात करना चाहूँगी वनीला की, स्पेशली वनीला एक्सट्रैक्ट की। वनीला एक ऐसा प्रोडक्ट है, वनीला इसेंशियल ऑयल, जिसके अंदर विटामिन बी के विटामिन शामिल हैं, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स रखता है। आपकी स्किन हेल्दी भी होती है, शाइनी भी होती है। उसके साथ साथ नाइसिन, थायमिन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल शाइन आपकी स्किन में ले आती है और आपकी स्किन में रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है, फाइन लाइंस को प्रिवेंट करता है और एज स्पॉट्स को भी गायब करता है। आज मैं बात कर रही हूं वनीला नेचुरल बॉडी लोशन की। वनीला की स्मेल मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आप रिसर्च भी पढ़ें तो वनीला बड़ी रिलैक्सिंग आपको फीलिंग देता है, आपकी नर्व्स को भी काम करता है। अच्छा, हमारे इस लोशन में वनीला एक्सट्रैक्ट तो है ही, लेकिन इसके अंदर शिया बटर भी है, इसके अंदर बीज वैक्स भी है, इसके अंदर जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल भी है, इसमें पानी भी शामिल है और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंबाइन करके एक अमेजिंग सा लाइट सा लोशन बनाया है हमने, जिसकी स्मेल भी बाय द वे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जिन लोगों को लाइटर स्मेल्स पसंद है उनके लिए हमारा वनीला नेचुरल बॉडी लोशन बिल्कुल आइडियल है। बाय द वे ऑलिव ऑयल जो है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे भी छोटे होते हैं, जब न्यूबॉर्न्स होते हैं और उनकी मालिश करनी होती है तो कहते हैं कि जैतून के तेल से करें, अच्छा असर मिलेगा। रूट्स पे भी बालों के जैतून का तेल ही लगाया जाता है कि ग्रोथ बेहतर होगी। तो स्किन को रिजुविनेट करने के लिए जैतून का तेल का बहुत अच्छा इफेक्ट है। बट प्योर जब ऑलिव ऑयल आप फेस एंड नेक पे लगाते हैं तो शायद वो वाला आपको रिजल्ट नहीं मिलता जो एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। शिया बटर वेरी वेरी पॉपुलर, बीज वैक्स एंड बीज एक्सट्रैक्ट जो है ये भी बड़े अच्छे आपको इफेक्ट्स देता है। सो डेफिनेटली हमारा जो वनीला नेचुरल बॉडी लोशन है उसको ट्राई करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। दिन में एक दफ़ा फुल बॉडी के ऊपर अपने लगा लें। वैसे तो अगर आप ये फेस पे भी लगाते हैं तो क्योंकि ये इतना लाइट है ये फ़ौरन अब्जॉर्ब हो जाता है तो मॉइस्चराइज़र के तौर पे अच्छा काम देता है, बट ये क्रिएट हमने फुल बॉडी के लिए किया है। सो आप पूरी की पूरी मतलब नहाएं धोएं, शावर लेके जब आएं, अगर हमारा कोई नूर बा जुगन काजिम का स्क्रब भी आपने यूज़ किया है स्पेशली, उसके बाद ज़रूर वनीला नेचुरल बॉडी लोशन यूज़ करें। हमारी बॉडी लोशंस की भी एक रेंज है, डिफरेंट डिफरेंट हमने क्रिएट किए हैं। हमारा ग्लो नेचुरल बॉडी लोशन भी है, हमारा रोज़ नेचुरल बॉडी लोशन भी है और भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। बट द वनीला वन तो मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है, मेरा बेटा हमजा भी बड़े शौक से उसे यूज़ करता है बिकॉज उसकी इतनी कोई फेमिनिन स्मेल नहीं है। सो वनीला नेचुरल बॉडी लोशन, परफेक्ट बॉडी लोशन फॉर द इंटायर फैमिली, क्रिएटेड बाय नूर बाय जुगन काजिम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि क्या आपको इससे वो रिजल्ट्स मिले जो आप चाहते थे। स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन जिसके अंदर एक बहुत नेचुरल सी हेल्दी ग्लो एंड शाइन भी होगी, फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी कम करेगा। बाय द वे जिनके हाथ और पांव बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं वो दिन में 2-3 दफ़ा भी अगर अपने हाथों पे और पैरों पे लगा के इसको छोड़ देंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आपने ऑर्डर करना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ऑर्डर करें और एंजॉय करें।